असल में अल्लाह की रहमत ये चाहती है कि मेरे बंदे मिलकर रहें, मोहब्बत से रहें। हैं, किसी को मुस्कुरा कर देखो तो सदका है। मुस्कुराने में ना हमने सजदा किया, ना तस्बीह पढ़ी, ना रोजा रखा, इबादत तो नजर नहीं आ रही, सदका, सदके का सवाब। क्यों? मैं मुस्कुराऊंगा तो वो मुस्कुराएगा, मोहब्बत बढ़ जाएगी। मुसलमान लड़ाई ना करें, मुसलमान झगड़ा ना करें, मुसलमान एक दूसरे का ख्याल रखे, हाथ पकड़ कर रहे। अहदीस में फरमाया गया कि मुसलमान जो है आपस में इमारत की तरह है, जिस तरह पहली ईंट दूसरी ईंट को सपोर्ट करती है, इस तरह मुसलमान एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मगर आज ऐसा माहौल रहा नहीं है। आज बंदा कहता है मेरा भला हो, अगले का बेड़ा गरक होता हो तो हो जाए। ये शरीयत नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। खुदारा, आप अगर अपनी जिंदगी पुरसकून चाहते हैं ना, फ्लेक्सिबल और पुरसकून लाइफ गुजारना चाहते हैं, आप दूसरों के लिए आसानियां करने वाले बन जाएं, दूसरों के लिए आप खुद फ्लेक्सिबल हो जाएं, आप यकीन करें आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, आपकी जिंदगी पुरसकून हो जाएगी। जो दूसरों के लिए आसानी करता है, अल्लाह उसके लिए आसानी कर देता है। जो दूसरों के लिए मुश्किल करता है, उसकी अपनी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। अल्लाह करे हम ऐसी जिंदगी गुजारें कि किसी बंदे को हमसे तकलीफ ना हो, हमसे कोई रिश्तेदारी करे तो भी मुतमईन रहे, पड़ोस में रहने आ जाए तो भी इत्मीनान में रहे, मुझसे कोई कारोबार करे उसे टेंशन ना हो। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे कारोबार करके भी बंदा टेंशन में, रिश्तेदारी करके भी टेंशन में, उनके पड़ोस में रहकर भी टेंशन। अपने बारे में सोचें, अगर मैं ऐसा हूं तो फिर कैसा हूं? मोमिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह के हबीब फरमाते अल मोमिनु हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन। मोमिन कौन होता है? मोमिन नर्म दिल होता है, उसकी आदतें भी नर्म होती हैं और वो सहल, आसान होता है, इजी टू एक्सेस होता है। आसान को समझो, है सबके लिए आसान होता है, रिश्तेदारों के लिए भी आसान, पड़ोसियों के लिए आसान, बाप है तो बच्चों के लिए आसान, शौहर है तो बीवी के लिए आसान, सेठ है तो नौकरों के लिए आसान, निगरान है तो मातहत के लिए आसान, इमाम है तो मुक्तदियों के लिए आसान, कमेटी में है तो इमाम और मौजिद के लिए आसान, सब जगह वो आसान है। उसके लिए मुश्किल लोग उसे ईजी फील करते हैं बात करना। अब सिर्फ अपने बारे में एक चीज चेक कर लें कि मैं आसान हूं या मुश्किल हो। मुझसे बात करने में डर तो नहीं लगता लोगों को? मशवरा करने में हिचकिचाते तो नहीं है? है? मेरे करीब आने में डरते तो नहीं है कि जाएंगे तो कुछ ना कुछ डांटी पड़ेगी, है तंज कर देंगे, है काटने को दौड़ते। कुछ लोग होते हैं जिनकी तबीयत पे कांटे लगे हुए होते हैं, हाथ मिलाओ तो चुबो देते हैं। बंदा बोले अगर ना ही मिलता तो अच्छा था, सारा मूड ऑफ कर दे, कोई ना कोई जुमला ऐसा कह देंगे सारा मूड ऑफ कर देंगे। ऐसा ना करो, ऐसे बनोगे ना अकेले रह जाओगे। दुनिया में ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। हाँ, ऐसे बनो कि लोग करीब आकर बैठना पसंद करें। बड़ी प्यारी मिसाल हमारे निगरान शूरा देते हैं, दो किस्म की मक्खियां होती हैं, एक होती हनी बी और एक होती हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। कहां बैठती है? कचरे पे, गंदगी पे, पूरे घर में जिधर गंदगी हो ना जाके बैठ जाएगी। आपके पूरे जिस्म में कहीं जख्म होगा ना, वो सब जगह को छोड़कर आकर जख्म पे बैठेगी। ये है घरेलू मक्खी का काम। और जो हनी बी होती है, शहद की मक्खी, कहां बैठती है? फूलों पर। आप क्या बनना चाहते हो खुद ही चेक कर लो। मुसलमानों की खूबियां ढूंढो, अपने बच्चों की भी गलतियां ढूंढ रहे होते हैं, अपनी बीवी की भी गलती में तलाश। हर पूरे दिन में उसकी कोई गलती मिल जाए उसका खैर नहीं है। अरे पूरे दिन बेचारी ने तुम्हारी खिदमत की, एक गलती हुई उसी में झगड़ा। इसका मतलब तुम्हारी तबीयत में यही है कि तुम कोई गंदगी ही ढूंढते हो। कोई तारीफ भी कर दिया करो, हौसला अफजाई भी कर दिया करो। आप बिलीव करें, जिस दिन आपने हौसला अफजाई करना शुरू की ना, लोगों की खूबियां तलाश करना शुरू की, आपकी अपनी जिंदगी आसान हो जाएगी। आपके दोस्त बढ़ जाएंगे, आपके खैरखा बढ़ जाएंगे, आपके मददगार बढ़ जाएंगे, आपके सपोर्टर बढ़ जाएंगे। आप परेशान हो गए, 10 आदमी खड़े हो जाएंगे हमें बताओ। और ऐसे भी लोग होते हैं जब परेशान होते हैं, एक बंदा साथ नहीं खड़ा होता, क्योंकि उन्होंने पहले सारी दुनिया को परेशान किया हुआ होता है। तो अपने बारे में खुद फैसला करें कि मैं कैसी जिंदगी गुजारना चाहता हूं।